अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। जी हाँ, नारी। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि यह सम्मान है जिसे देवत्व प्राप्त है। नारियों का स्थान वैदिक काल से ही देवतुल्य रहा है, इसलिए नारियों की तुलना देवी देवताओं और भगवान से की जाती है। जब भी कोई घर में किसी बेटी का जन्म होता है, तब भी यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। जब किसी घर में नवविवाहित बहू का आगमन होता है, तब भी उसकी तुलना लक्ष्मी के आगमन से की जाती है। यह सम्मान केवल नारियों को प्राप्त है, जो कि वैदिक कालों से चला आ रहा है। महिलाओं के हौसलों को बुलंद करने, समाज में फैली असमानता को दूर करने और लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष महिला दिवस मनाया जाता है। सन 1908 में एक आंदोलन के रूप में न्यूयॉर्क में मौजूद महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी जॉब में समय को कम करने, वेतन को बढ़ाने और वोट डालने के अधिकार की मांग की थी। और आखिरकार महिलाओं को इस आंदोलन में जीत हासिल हुई। और एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। तब से आज के दिन यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। कहते हैं दिल में जोश और मन में जज्बा हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसे ही जज्बे के साथ जोधपुर की बेटी डॉक्टर शिवानी मंडा ने कुछ अलग ही तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आमतौर पर जिन प्लास्टिक के सामान को हम कचरा समझकर फेंक दिया करते हैं, उन्हीं सामान से डॉक्टर शिवानी मंडा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग बनाई है। उनकी इस पहल के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है। अपनी कला को आगे बढ़ाते हुए और लोगों में अपनी कला के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर शिवानी मंडा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में एक बार फिर अपना नाम दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने टाइपोग्राफी के माध्यम से राम नाम के शब्दों से 75 घंटों में 61,000 राम नाम लिखकर हनुमान जी की तस्वीर बनाई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी मंडा है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और उसके अलावा एक आर्टिस्ट और एनिमल वेलफेयर वर्कर भी हूँ। समय समय पर मैं अपनी कला के माध्यम से अलग अलग जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश करती हूँ। डोनेशन कैंपेन्स किए जाते हैं और उसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, जैसे हिंदी टाइपोग्राफी, उसे मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। और इसी के लिए जैसे जब से मेरे आर्ट फॉर्म्स ज़्यादा लोगों ने देखे इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो उससे इंस्पायर होकर उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम हर वीकेंड्स पे उन्हें कनेक्ट करते हैं और हम हमारी एज इन जो हिंदी टाइपोग्राफी है उसे जो हमारी मॉडर्न आर्ट है उसके साथ साथ हमारी ट्रेडिशनल आर्ट को भी एक अच्छी पहचान दिलाना चाहते हैं। दो बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी शिवानी मंडा एनिमल से बेहद लगाव रखती हैं। पिछले कई वर्षों से वे अपनी मां के साथ मिलकर स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करती आ रही हैं। शिवानी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पेंटिंग्स को शेयर करती हैं। उनकी पेंटिंग्स को लोग काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी लोग उन्हें पेंटिंग्स बनाने के लिए ऑफर भी करते हैं। इन पेंटिंग्स के माध्यम से उन्हें जो फंडिंग आती है, उन पैसों को शिवानी स्ट्रीट एनिमल्स की देखरेख में खर्च करती हैं। जैसे भगवान शिव को तो हम सभी जानते हैं, शिव शब्द में जो ई की मात्रा है वो शक्ति यानी नारी को दर्शाता है, और इसी तरह हर परिवार के अंदर जो स्त्री है वो उसका एक ऊर्जा स्रोत की तरह काम करती है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरी तरफ से एक संदेश सभी महिलाओं के लिए और उनके परिवारों के लिए कि आपकी परिवार की जो स्त्री शक्ति है आप उसे पूरा सहयोग दें और उसे आगे बढ़ाने में मदद करें। हमारे परिवार और समाज के लिए नारी एक शक्ति है। नारी के बिना हमारा परिवार चल तो सकता है पर उन्नति नहीं कर सकता है। वुमेन्स डे हमें सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं मनाना चाहिए, बल्कि नारी शक्ति का हमें हर दिन हर समय सही सम्मान करना चाहिए। Can we skip to the good part?